हेलो पोकी फैंस, आज की वीडियो में हम ईवी के सभी इवोल्यूशंस फॉर्म देखने वाले हैं जो हमें पोकेमॉन एनिमे में दिखाए गए हैं। ईवी एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जिसे कैंटो रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां हमें हर रीजन में ईवी के नए इवोल्यूशन फॉर्म देखने मिले। ईवी के सात इवोल्यूशन फॉर्म है जहाँ सभी फॉर्म एक स्पेशल टाइप को दिखाता है। तो चलो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। कैंटो रीजन में हमें ईवी के तीन इवोल्यूशन फॉर्म दिखाए गए हैं जो हैं फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपोरियन। इन तीनों पोकेमोन्स को सभी इनके नाम से पहचान सकते हैं, जहां फ्लेरियन एक फायर टाइप पोकेमोन है, जोल्टियन एक इलेक्ट्रिक टाइप और वेपोरियन एक वाटर टाइप पोकेमोन है। तीनों पोकेमोन्स बहुत ब्यूटीफुल है, जहां इनके पास बहुत सारे पावरफुल मूव्स है जिनका यूज वो अपनी बैटल्स में करते हैं। ईवी को फ्लेरियन में इवॉल्व करने के लिए ट्रेनर के पास फायर स्टोन होना चाहिए, वैसे ही ईवी को जोल्टियन और वेपोरियन में इवॉल्व करने के लिए ट्रेनर के पास थंडर और वाटर स्टोन होना चाहिए, जिसकी मदद से ईवी बहुत पावरफुल हो जाती है। तो चलो इन तीनों पोकेमोन्स की इवोल्यूशन देखते हैं। इस क्लिप में एस और एलेक्सा तीन ईवी के साथ इवोल्यूशन स्टोन ढूंढते हैं, जहां उन्हें एक बॉक्स में सभी इवोल्यूशन स्टोन दिखाई देता है, जिसके बाद तीनों ईवी इवोल्यूशन स्टोन को टच करती हैं, जहां वो फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपोरियन में इवॉल्व होती हैं, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। अगला पोकेमोन है एम्ब्रियन, जो एक डार्क टाइप पोकेमोन है जिसे जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था। एम्ब्रियन का डिजाइन बहुत यूनिक है, जहां इसके बॉडी पर येलो रिंग्स बने हैं जो रात को शाइन करते हैं। एम्ब्रियन ईवी का स्पेशल फॉर्म है, जहां ये हमेशा रात के समय इवॉल्व होता है, क्योंकि एम्ब्रियन को मूनलाइट से एनर्जी मिलती है। तो चलो इसकी इवोल्यूशन देखते हैं। इस क्लिप में वर्जिल और उसकी ईवी जंगल में खो जाते हैं, जिसके बाद ईवी अपने डार्क टाइप फॉर्म एम्ब्रियन में इवॉल्व होती है, जिसे देखकर वर्जिल शॉक हो जाता है। जैसे एम्ब्रियन सिर्फ नाइट टाइम में इवॉल्व होता है, वैसे ईवी का एक स्पेशल फॉर्म है जो सिर्फ डे टाइम में इवॉल्व होता है, जिसका नाम है एस्पियन। एस्पियन एक साइकिक टाइप पोकेमोन है जिसे सन से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से एस्पियन बहुत पावरफुल हो जाता है। एस्पियन अपने जेम की मदद से अपोनेंट्स के मूव को सेंस कर सकता है, जहां एस्पियन को एक पावरफुल साइकिक टाइप पोकेमोन माना जाता है। इस क्लिप में तुम लोग देख सकते हैं क्लो की फ्रेंड पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए ईवी बीच में आ जाती है और अपनी साइकिक टाइप फॉर्म एस्पियन में इवॉल्व होती है। इस लिस्ट का नेक्स्ट पोकेमोन है सिल्वियन, जिसे कैलोस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां सिल्वियन एक फेरी टाइप पोकेमोन है। ईवी के सभी फॉर्म्स में सिल्वियन मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म है, जहां इसकी आंखें डायमंड जैसी शाइन करती हैं, वहीं सिल्वियन के रिबन्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सिल्वियन को इवॉल्व करने के लिए ईवी को एक स्पेशल फेरी टाइप मूव यूज करना होता है, जिसकी मदद से ईवी को ये स्पेशल फॉर्म मिलता है। इस क्लिप में एस और सेरेना टीम रॉकेट से बैटल करते हैं, जहां सेरेना की ईवी स्ट्रगल कर रही होती है, जिसके बाद सेरेना उसे चीयर करती है, जिसकी वजह से ईवी अपने फेरी टाइप फॉर्म सिल्वियन में इवॉल्व होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, जहां इवॉल्व होने की वजह से सिल्वियन बहुत पावरफुल हो जाती है। इस लिस्ट का नेक्स्ट पोकेमोन है आइस टाइप पोकेमोन ग्लेशियन, जिसे सिनो रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइस टाइप होने की वजह से ग्लेशियन के पास आइस फैंग और आइसी विंड जैसे पावरफुल मूव्स हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियन को एक पावरफुल आइस टाइप पोकेमोन माना जाता है। इस स्पेशल फॉर्म के लिए ट्रेनर के पास आइस स्टोन होना चाहिए, जिसकी मदद से ईवी अपने आइस फॉर्म ग्लेशियन में इवॉल्व हो पाए। इस क्लिप में मेयर सिनो रीजन में रिटर्न आती है, जहां वो अपने ईवी को सभी से मिलाती है जो अब ग्लेशियन में इवॉल्व हो चुकी है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद बताती है कि उसने आइस्टोन की मदद से ईवी को ग्लेशियन में इवॉल्व किया था। इस लिस्ट का लास्ट पोकेमोन है लीफियन, जो एक ग्रास टाइप पोकेमोन है, जहां इसकी बॉडी डिजाइन देखने में बहुत कूल लगती है। लीफियन का नेचर बहुत स्वीट है, जहां इसका बॉन्ड अपने ट्रेनर के साथ बहुत स्ट्रांग रहता है। ईवी को लीफस्टोन की मदद से लीफियन में इवॉल्व किया जाता है, जहां ये पावरफुल ग्रास टाइप मूव्स का यूज करती है। इस क्लिप में जोई डॉन से बैटल करती है, जहां वो अपने लीफियन का यूज करती है, जो ईवी का ग्रास टाइप फॉर्म है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। होप करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा इवोल्यूशन फॉर्म पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।